गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार वापस से ये हाई हेलो का जो कार्यक्रम होता है ना यार, ये मेरे आने के बाद में स्टार्ट किया करो। काफ़ी नाम तो ऊपर निकल जाते हैं, फिर मैं नाम नहीं बोल पाता, फिर बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, सर मेरा नाम नहीं बोला। हाँ, हाय उत्कर्ष, मोहम्मद तारिक, अजमिल खान, अभिजीत, डॉक्टर जे, हाय। ये मुहर्रम आज है क्या? वाओ, हैप्पी मुहर्रम। डॉक्टर जे, आप कुछ डिस्कस कर रहे थे, प्लीज कैरियर पॉइंट कमांडो भाई, तो केमिस्ट्री में क्या कर रहे थे, क्या बात है। तो पायल, हाय। वैभव कुमार, उत्कर्ष सिंह, सुचिता, लोकेश, मोहम्मद तारिक, सरवन, श्रवण, नहीं, हाँ श्रवण, दीक्षा, वैभव कुमार, कैरियर पॉइंट, मैं प्रेजेंट था, अक्षय, हाय। अजय गुप्ता, आकांक्षा पाल, शिव कुमार वर्मा, वैभव, रोहित, पूनम, मरियम, नेहा कुमारी, हाँ आते जाओ आते जाओ आते जाओ, बहुत अच्छे। शिवांगिनी, हाय। तो बिल्कुल मरियम, मैं समझ गया आप बिल्कुल नहीं हो इस चीज में। कौनिका, हाय। राजेश वर्मा, दीक्षा, दीक्षा, मोनू, शिवांगिनी, कृष्णा, वीर, प्राची, अमन, पायल, मोनू सैनी, बस यार बस ठीक है। हाय संस्कृति, पूनम, ऋचा कुमारी, हाय। तो देखो, कल हमने कुछ बात की थी, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था। हाय अजय सर, क्विज चैप्टर के बारे में बात कर चुके हम, क्विज चैप्टर के बारे में हम बात कर चुके हैं। जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा, लेकिन हमेशा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का ही होगा, ठीक है ना। मयंक, बिल्कुल इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। डॉक्टर सीवीए, सोनिया शर्मा, हाय यार, हेलो हेलो हेलो। चलो अजय गुप्ता, मैंने आपको बता दिया है ना, तो हम लोगों ने कल जेनेटिक्स के बारे में कुछ बात की थी। जो बच्चे नए आए हो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी से आएगा ना सर पायल, पूरी पूरी कोशिश, पूरी कोशिश। कुछ क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा ऐसे भी डालता हूं जिसमें कंसेप्ट हो। हिंदी मीडियम प्लीज सर, मोनू सैनी, इट इज नॉट पॉसिबल। सुदीन पात्रा, काफी दिनों बाद आए हो बेटा, मतलब मैंने आपका नाम काफी दिनों बाद देखा। सोनिया बिल्कुल सही कह रहे हो, वाह वाह वाह। तरुण, तरुण सिंह, कैसे हो, सब बढ़िया है, ठीक है। हीमोफीलिया ए में क्या हेमिजाइगस अगम, हम ये इस बारे में आज बात करेंगे। होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, हेमिजाइगस, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए सर, मेरी किस्मत खराब है, मैं ऐसे ही आपकी क्लास को अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। दीक्षा, इट्स ओके, कोशिश करूँगी अटेंड हो जाए, ठीक है। सुमन, हाय। सुदीन पात्रा, नहीं सर कल भी था, आपने नाम नहीं लिया, आज ले लिया। सुदीन, उत्कर्ष, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल उत्कर्ष, बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मेरी तरफ से, एक दो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप सुन लीजिए। जेनेटिक्स के लिए आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम जेनेटिक्स के, उसमें हर कोई प्रेजेंट होना चाहिए बिल्कुल, और आपका एब्सेंस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए उसमें, पहले तो ये बात दिमाग में बैठा लो आप लोग, है ना। और दूसरी चीज ये, जिन लोगों ने आज, जिन लोगों का पहला लेक्चर है, वो मेरी पहली वाली वीडियो भी जरूर देखेंगे, और पहली वाली 47 आर वॉचिंग एंड 33 ओनली लाइक्स। जल्दी से सबसे पहले लाइक्स बढ़ाइए, ठीक है, मैं भी सीख गया हूं धीरे धीरे। विक्की सिंह, हाय। चलो अब मैं आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूं जेनेटिक्स के बारे में। जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जेनेटिक्स क्या होती है, ब्रांच है, हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा, साथ में हमने पढ़ा वेरिएशन के बारे में। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि जेनेटिक्स जो है तीन पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि प्री मेंडलिज्म की कुछ थ्योरीज थी, ठीक है। सर मैं भी, सर आई एम गोला भाई, गुड इवनिंग, हाय विनीत, ओके 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 ओके, ठीक है पायल, ओके थोड़ा आप ध्यान देंगे। वेपर थ्योरी है, प्री फॉर्मेशन थ्योरी है, एनकैशमेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, पेनजेनेसिस और विस्मैन थ्योरी, ये हमने देखा। प्री मेंडलिज्म की कुछ ऐसी थ्योरी थी जिन्होंने बहुत ज्यादा हल्ला मचाया उस टाइम में, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा वेपर थ्योरी के बारे में, ये सब रिजेक्टेड है। प्री फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में हमने उसके बाद पढ़ा, पेनजेनेसिस थ्योरी के बारे में, और उसके बाद विस्मैन की थ्योरी, जर्म प्लाज्म वाली जो थी उसके बारे में पढ़ा। हर किसी का कुछ ना कुछ तो दिक्कत थी। स्टैंड अप कॉमेडी इस बार का यदि आप पेपर देखेंगे तो बेटा एनसीईआरटी से बाहर भी आया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपको एक अच्छा स्कोर करवा सकती है, बट आप इस बार का पेपर देखेंगे तो बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चंस गए हैं, चार पांच क्वेश्चंस गए हैं, तो वो भी आपको करने हैं।
सर विदाउट वॉचिंग द फर्स्ट वीडियो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. बिल्कुल शिवांगिनी आप अंडरस्टैंड करेंगी. क्लास टेंथ का ही कुछ टॉपिक है इसमें. टेंथ के अंदर भी एनटीएसए लेवल पे जेनेटिक्स इस हद तक पढ़ाई जाती है. उसके बाद मेंडल की हिस्ट्री के बारे में हमने बात की. कब पैदा हुए, कहाँ पे काम किया, कितने साल काम किया, किस नाम से पेपर पब्लिश किया, है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट बिना रिकॉग्नाइजेशन के मर गए. उसके बाद तीन साइंटिस्ट, कार्ल कॉरिन, ह्यूगो डी एवरेसेस और एरिक वॉन शर्मार्क, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने वापस रीडिस्कवर किया और मेंडल को ख्याति मिली और मेंडल को फिर उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा. उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि मेंडल फेल क्यों हुए. मेंडल फेल क्यों हुए, सबसे पहले ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज. डार्विनिज्म लोगों के सर चढ़ के बोल रहा था, स्टैटिस्टिक्स नया था, ये कल हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है. नहीं नहीं स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं यार, एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी भी जरूरी है. आप लोग इतना क्यों सोचते हो, मुझे एक बात समझ में नहीं आया, आप लोग इतना क्यों सोचते हो कि एनसीईआरटी पढ़ने से आ जाएगा, कि जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ो, है ना. एनसीईआरटी को समझने के लिए और भी बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. और भी टीचर जो कहीं भी पढ़ा रहा है उस टीचर पे सबसे पहले आपको भरोसा होना चाहिए. सौरभ मंडल, किस सर चैप्टर कौन सा है. बिल्कुल सौरभ, यदि आपको यही पता नहीं लग रहा है चैप्टर कौन सा है मंडल वाला, तो बेटा फिर तो दिक्कत है बहुत बड़ी, ठीक है ना, फिर तो बेटा बहुत बड़ी दिक्कत है. चलिए तो ये डोमिनेंसी उस टाइम पे स्पीशीज जो है बुक आई थी ऑरिजिन ऑफ द न्यू स्पीशीज, उसकी बहुत थी. लोग डार्विन के अलावा और किससे बात नहीं करना चाहते थे. स्टैटिकल मेथड नया था बायोलॉजी के लिए. जो जर्नल में इनका पेपर छपा था उसकी पॉपुलैरिटी नहीं थी इतनी ज्यादा, ठीक है. और मेंडल खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि दो प्लांट के अंदर मेंडल ने जब बात किया तो उन दोनों प्लांट में मेंडल को डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिले. उन दो प्लांट का नाम है हॉकवीड और बीन्स. नेक्स्ट यदि हम बात करें रीजन की कि मेंडल सक्सेसफुल क्यों हुआ, तो सबसे पहले मेंडल ने उन साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा. ये सब हम कर चुके हैं कल, ठीक है. ये हाय अखिलेश, ये सब हम कर चुके हैं, इसीलिए मैं फटाफट इसको एक रिवाइज रिवीजन स्ट्रेटजी के तौर पे ले रहा हूं. बस प्रीवियसली जो फेल्ड साइंटिस्ट हुए थे उनके बारे में पढ़ा. मेंडल के एक्सपेरिमेंट एक्चुअली नाइट और गॉस के एक्सपेरिमेंट का ही एक्सटेंशन था. उसके बाद में पी प्लांट एक एनुअल प्लांट था, वो जल्दी ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता था, और लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के साथ साथ उसके जो भी कैरेक्टर लिए गए वो काफी डिस्टिंक्ट थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे. सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया उसने. उसका सैंपलिंग साइज बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से एरर होने के चांसेस बहुत कम थे. उसने रिकॉर्ड को 6-7 जनरेशन तक मेंटेन किया ताकि एरर के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, और हमेशा उसने प्योर लाइन लिया. हम ये देखेंगे आज प्योर लाइन क्या होता है. उसके बाद में पी प्लांट क्यों लिया, यहां तक हमने कर लिया था. डिस्टिंक्ट कैरेक्टर थे, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस कर रहा था, एक सीजन में उसकी कुछ ही महीनों में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती थी. फ्लावर जनरली जो था उसका सेल्फ पॉलिनेट होता था, बट उसके फ्लावर के अंदर एक खासियत थी कि वो इजिली क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को भी वो बिल्कुल सपोर्ट करता था. क्रॉस पॉलिनेशन इजी थी. और यहां पे हमने अपना लेक्चर खत्म किया था कि किस तरह से ये मेंडल ने 14 वेराइटीज ली, 7 डोमिनेंट वेराइटीज, 7 रेसेसिव वेराइटी, और कौन कौन से कैरेक्टर के बारे में, कौन कौन से कैरेक्टर के बारे में उन्होंने पढ़ा, है ना. ये हम इसके बारे में आज यहां से हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे. तो बच्चों सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में, आज के लेक्चर में जो रिक्वायर्ड है उन टर्म्स के बारे में. हमने कल बात की थी एलील के बारे में, और एलील के अंदर हमने ये पढ़ा था दे आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन्स. एक ही जीन्स का डिफरेंट फॉर्म है. तो आज हम सबसे पहले एक चीज जो आज देखेंगे वो ये देखेंगे कि, ध्यान से इधर देखना, आज हम जो सबसे पहले ये देखेंगे कि डोमिनेंस का कंसेप्ट क्या है. तो हमेशा एक बात, एनसीईआरटी की लाइंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं बच्चों. संयोगिनी हाय, पायल, भूपेंद्र हाय, ओबेरॉय जी हाय, है ना. तो हम ये देखेंगे कि एक नॉर्मल जीन जो होती है वो एक नॉर्मल एंजाइम का फॉर्मेशन करती है. एक नॉर्मल जीन एक नॉर्मल एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, और ये जो एंजाइम है दे आर प्रोटीन इन नेचर. और हम ये, हाय पारुल, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रोटीन बना है ये प्रोटीन किस तरह का है. हम ये बोल सकते हैं यहां पर ये एक एक्टिव प्रोटीन है,
ठीक है, डुबी के डुबली हाय। चलिए नेक्स्ट, यदि हम बात करें म्यूटेटेड, यदि ऐसी जो नॉर्मल जीन है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा बच्चों, वो या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, या मेरा अटेंडेंस नहीं लगाया सर ईशिता हाय, ठीक है। नेक्स्ट नॉन फंक्शनल, या तो फंक्शनल एंजाइम बनाएगी लेकिन कैसा, लेस फंक्शनल बनाएगी, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगी, पूरा फोकस होना चाहिए आप लोगों का, या फिर वो बनाएगी कोई एंजाइम बनाएगी नहीं। म्यूटेटेड जीन तीन टाइप के बनते हैं। तो डोमिनेंस कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, अपनी खुद को जीन कैसे एक्सप्रेस करती है, ठीक है। पारुल आप लोग, आप एक बार है ना करियर पॉइंट के चैनल पे जाइए, वहां पे मेरे लेक्चर्स हैं, आप देख लीजिए कि टोटल कितने हुए, ठीक है। हाँ पारुल बिल्कुल। चलिए तो हम लोग ये बोल रहे हैं कोई भी जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती है जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें भी आएगा। तो जीन्स जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन करती है, उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद बनता है एमआरएनए। ये जो जीन्स और ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है जीन का एमआरएनए बनना, ये यूकेरियोट में न्यूक्लियस में होता है, उसके बाद में ये एमआरएनए ट्रांसफर होता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो एमआरएनए है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के हेल्प से इससे बनाया जाता है प्रोटीन। ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों ट्रांसलेशन, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और इस ट्रांसलेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। ये जो प्रोटीन होता है दैट इज एंजाइमेटिक इन नेचर, और ये प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होता है तो इससे इंटरनोडल ग्रोथ बढ़ती है प्लांट की, और जब प्लांट की इंटरनोडल ग्रोथ बढ़ेगी तो उसकी स्टेम हाइट भी बढ़ेगी, और इसके हिसाब से जो प्लांट होता है वो कैसा हो जाता है बच्चों, टॉल हो जाता है। ये जो प्लांट टॉल हो गया ये कैरेक्टर था जो कि एक्सप्रेस किया, तो ऑब्वियसली यहां पे जो जीन थी वो टॉल वाली जीन थी, तभी तो उसने अपने आप को टॉल प्लांट के रूप में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे हम आगे यदि हम इसके बारे में बात करें तो अब हम मैं जा रहा हूं पीछे पीछे वाली स्लाइड्स पे, कि हमने जो पढ़ा है ना, हमने ये पढ़ा कि मेंडल ने 14 वैरायटीज ली, और इन 14 वैरायटीज में टोटल जो कैरेक्टर थे 14 वैरायटीज, और ये जो 14 वैरायटीज थी इसमें टोटल जो कैरेक्टर थे वो कैरेक्टर उसने कितने लिए, 7 कैरेक्टर्स लिए। ये जो 7 कैरेक्टर्स लिए इसने, इस कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग, दे आर द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक कैरेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। टॉल के बारे में, यदि हाइट के बारे में बात करूं तो प्लांट का जो मैक्सिमम कैरेक्टर है वो है टॉल, 7-8 फुट, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से 5-7 फुट, और ड्वार्फ का जो कैरेक्टर है वो है 0.75 फीट। तो एक तो मैक्सिमम, बिल्कुल पायल यू आर राइट, अपोजिट मतलब होता है इसका। तो हम ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से उसने कैरेक्टर लिए। देखो सबसे पहला सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, प्लांट हाइट, पोड शेप, पोड कलर। तो मैं कौन कौन से बोल रहा हूं, सीड के दो लिए सीड शेप, सीड शेप, सीड कलर, पॉड का दो लिया पोड शेप, पॉड कलर, एक लिया प्लांट हाइट, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स वाला जो कैरेक्टर था वो था फ्लावर पोजीशन, और सेवंथ वाला जो कैरेक्टर है वो है फ्लावर कलर। तो ये सारे देखो कुछ जो है किताबें उनके अंदर ये लिखा है कि फ्लावर कलर के अलावा सीड कोट कलर भी है, बिल्कुल लिया था उसने, ठीक है। पारुल ये तो बहुत इजी बात चल रही है बेटा, आप इसको थोड़ा सा देखो क्या नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। सर आपका नंबर दे दो, हर्ष कुमार बिल्कुल आई विल शेयर माई नंबर विथ यू, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल गिव यू माई नंबर। चलिए डाउट्स भी आप, मैंने आपको हजार बार कहा है आपके जो डाउट्स होते हैं वो आप नीचे लिख दिया कीजिए। तो मैं आप कुछ टर्म्स आपको समझाने वाला हूं, सो मैं अभी कमेंट नहीं पढ़ूंगा कुछ देर, मैं सिर्फ टर्म के ऊपर फोकस करूंगा। तो देखो एक तो होता है होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है बच्चों, और एक होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हमने ये बोला कि हर एक कैरेक्टर के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल है, और ये दोनों जीन प्रेजेंट होती है बेटा कहां पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। यदि दो क्रोमोसोम है, मैंने आपको कल होमोलोगस क्रोमोसोम का कंसेप्ट बताया था, जिस बच्चे को होमोलोगस का कंसेप्ट नहीं पता हो वो प्लीज प्रीवियस वाली वीडियो देख लें। मान लीजिए इसके ऊपर जो
जीन थी वो थी कैपिटल टी और उसके ऊपर भी थी कैपिटल टी, ठीक है, दोनों एक जैसी जीन हो, यदि दोनों एक जैसी जीन हो तो बच्चा इसको हम बोलेंगे दिस इज ए होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। ये कैसा कंडीशन होगा बच्चों, होमोजाइगस कंडीशन होगा, तो ये भी एक होमोजाइगस कंडीशन है और ये भी एक होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों जीन एक जैसी। इसके अलावा जो भी कंडीशन हो, फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन, इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब ये टी क्या है, इसके लिए मैं वापस आपको स्लाइड पे लेके चलता हूं, और हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि सीड शेप, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सीड शेप का डोमिनेंट जो ट्रेट है वो है राउंड और रेसेसिव जो ट्रेट है वो है रिंकल्ड। तो राउंड का मतलब है मैं इसको कैपिटल आर से डिनोट करूंगा और रिंकल्ड को मैं स्मॉल आर से डिनोट करूंगा। जो भी हम जेनेटिक्स के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं उनका जो पहला वर्ड होता है बच्चों उसी का यूज किया जाता है किस चीज में, इसको एक्सप्रेस करने में। हम जेनेटिक्स का जब भी स्टडी करते हैं उसको हम यूज करेंगे कैपिटल वाले लेटर को डोमिनेंट के रूप में, स्मॉल वाले लेटर को रेसेसिव के रूप में, और हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर जो है उसका पहला वर्ड ही यूज करते हैं हम, ठीक है। जेनेटिक्स में इसका एक एक्सेप्शन भी है, मॉर्गन के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं सीड कलर के बारे में, ये जो सीड कलर है यहां पे जो कैरेक्टर लेंगे वाई, ये देखो वाई जो कैरेक्टर है ये येलो को शो कर रहा है सीड कलर को, और रेसेसिव जो कैरेक्टर है वो ग्रीन को शो कर रहा है, लेकिन हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यदि आगे हम बात करें फ्लावर कलर के बारे में, तो फ्लावर कलर हम यूज करेंगे पी फॉर पर्पल और व्हाइट का जो करेंगे वो स्मॉल पी करेंगे। ऐसे ही फ्लावर पोजीशन के बारे में यदि हम बात करेंगे वो है कैपिटल ए और ये है स्मॉल ए, ठीक है। नेक्स्ट मैकबैक, क्या बात है बेटा, फैमिली स्टैंडर्ड दिखा रहे हो अपना, जरा एक बार आके जरा यहां मिल लो, ठीक है। मैं दो मिनट में, आप जैसे जो लोग है ना इनको दो मिनट में सही कर दूंगा, दो मिनट में आ जाए एक बार, कोटा के आसपास भी दिखाई देते और मुझे बता दे कौन है, ठीक है। चलो इग्नोर करो ऐसे लोगों को, टेक्निकल टीम देखे प्लीज इस चीज को। प्लांट हाइट के बारे में जो हमने बताया कैपिटल टी और जो है वो है स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि ये होता है। पॉड शेप के बारे में बात करूं, पॉड शेप इन्फ्लेक्टेड कंस्ट्रक्टेड आई एंड स्मॉल आई, पॉड कलर ग्रीन एंड येलो कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, इस तरह से हम क्या करेंगे चीजों को सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है। हम चीजों को सेग्रीगेट करेंगे और सेग्रीगेट करने के बाद में क्या होगा, हम इस तरह से देखते हैं कि कैसे ये जो चीजें हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, इस चीजों को वो करते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए, नेक्स्ट यदि हम बात करें अब, तो मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप एक काम करेंगे कि जो भी ये कैरेक्टर है इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे कि हम इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट लगाएंगे और उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे किस तरह से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब कितने चैप्टर हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, इसको इग्नोर करो प्लीज अभी, इसका देखते हैं इलाज, ठीक है। अब हम आगे यदि पढ़ें तो आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि अलग अलग, ये जो एस ब्लिक्स था इसने क्या किया, एस ब्लिक्स ने क्या किया, इसको अरेंज किया, ये इसको ये पता किया कि कितनी जीन्स के ऊपर ये कैरेक्टर थे, ठीक है, कितनी जीन्स के ऊपर ये कैरेक्टर थे, ये इसको देखा और इस एस ब्लिक्स ने ये जो डिस्कवर किया इसको कहां से किया, ये देखो इन्होंने कहा कि टोटल जो जितने भी कैरेक्टर है वो चार जीन में है, 1, 4, 5 और 7 नंबर की जीन, ठीक है। ये जो चार जीन्स है इनके अंदर कैरेक्टर के बारे में हम देख रहे थे, एक बार आप कमेंट सेक्शन में ये देखो कोई है, ये बच्चा इसको देखो मैकपैक, ये टावर कौन सा आ गया, मैकपैक नाम से है, ठीक है, बिल्कुल प्रिंस, इसको ब्लॉक करवा रहे हैं, आप लोग टेंशन मतलब ऐसे पता नहीं यार कितने ही आ जाएंगे, रोज के रोज आएंगे, कब तक इन लोगों को हम समझाएंगे, कब तक हम इनका समझेंगे, आप एक बात बताइए, अभी कोई भी एक फेक प्रोफाइल बना के ऐसे पता नहीं कितने ही आते जाते हैं रोज, है ना, तो अब कब तक इन लोगों को देखेंगे हम लोग, तो पढ़ाएंगे कब फिर,
तो ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो, रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि ये लोग सामने आने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो ये दूसरे चैनल्स वाले होते हैं कुछ, है ना, जो ऐसे ही करते हैं। हाँ बिल्कुल पायल, यू आर राइट, टाइम पास करने आ जाते हैं। तो इधर देखेंगे ज़रा, एस ब्लिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये एक्सप्लिक्स ने ये बताया कि सीड कलर फ्लावर कलर क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर है, फ्लावर पोजीशन पोड शेप स्टेम हाइट क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर है, पोड कलर 5 के ऊपर है और सीड शेप 7 के ऊपर है। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि सबसे ज्यादा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पे है? बिल्कुल फोकस, सबसे ज्यादा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पे, डू इट। हाय जयान खान, जल्दी सबसे ज्यादा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पे, फटाफट आंसर दीजिए। 4, वेरी गुड डॉक्टर जे पायल, यू आर राइट, हर्ष राइट, वैभव ये पायल राइट, सुचिता बिल्कुल बिल्कुल, नेहा कुमारी सबसे ही सब सही हो। ये शिवांगिनी आपने जल्दीबाजी में 44 कर दिया, गलत है, ठीक है, बिल्कुल है सुजाला, क्या बात है। तो ये बात आपको समझ में आई, मेंडल ने कभी भी जीन टर्म यूज नहीं किया, मेंडल ने जीन के लिए जो टर्म यूज किया वो था फैक्टर, फैक्टर टर्म का यूज किया है। नेक्स्ट यदि हम आगे बात करें तो ये हमने देख लिया, अब हमारा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, देखो जरा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, ये देखो रिंकल सीड है और एक राउंड सीड है, दिख रहा है आपको? तो ये रिंकल कैसे हो गया, इसकी कहानी मैं आपको समझाने वाला हूं, तो प्लीज आप फोकस करेंगे, एक दो मिनट में कमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं इधर फोकस कर रहा हूं सर, बिल्कुल। तो आप ध्यान से सुनिए, कैसे पता लगेगा कि ये सीड कैसे जो है रिंकल्ड हो गया, है ना, ठीक है। और मैं बिल्कुल अब मैं आपको इसके बारे में समझा रहा हूं, एक्चुअली कहानी क्या है, ये सीड था, है ना, इस सीड के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, कहीं लिखा होगा मैंने, इसको मैं कहूंगा SBE एंजाइम, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। ये स्टार्च ब्रांचिंग जो एंजाइम है ये क्या करता है, SBE का वर्क है, ग्लूकोज जो बन रहा है ना बहुत सारा, इस ग्लूकोज को अंदर स्टोर करना, तो SBE क्या करता है, इसको पॉलीमराइज करता है और स्टार्च की फॉर्म में इसको क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। इससे पहले वाला जो हमने देखा है, इससे पहले वाला जो हमने देखा है उसके अंदर ये देखा है बच्चों कि ये जो पहला जो चैप्टर था हमारा प्लांट वाटर रिलेशनशिप, उसके अंदर हमने देखा है कि जो ग्लूकोज होता है ना उसकी कहानी क्या है, कि ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज इज ए ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड, इसका मतलब ये ऑस्मोसिस कराता है, ठीक है, ये क्या करता है, ऑस्मोसिस कराता है। नेक्स्ट हम लोग ये बात कर रहे हैं स्टार्च क्या है, स्टार्च है ऑस्मोटिकली, बेटा इधर ध्यान दो सब यार, तुम कमेंटबाजी में मतलब हो, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव ये कंपाउंड है, ओके अरे टेंशन यार इधर देखो फोकस। तो ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव है, इसका मतलब है कि ग्लूकोज ऑस्मोसिस करा सकता है, पानी को क्या करा सकता है, इधर से उधर बिल्कुल ऑस्मोसिस करा सकता है, ठीक है। लेकिन स्टार्च इस चीज में एक्टिव नहीं है। अब क्या है, मान लीजिए ये सीड था, इसमें SBE डेफिशिएंसी है, बहुत कम है, तो अब यहां पे क्या बढ़ने लग जाएगा इस सीड के अंदर, इस सीड के अंदर ग्लूकोज पॉलीमराइज नहीं होगा, तो ग्लूकोज का अमाउंट क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। अब ग्लूकोज का एंजाइम, ये ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ने लग गया तो बहुत सारा पानी क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, और जब बहुत सारा पानी अंदर आ जाएगा तो कहानी क्या होगी, जरा इधर ध्यान से देखेंगे, ये फली थी भैया, इस तरह से फली थी, है ना, थोड़ा सा ये ध्यान दो रे, ये फली थी। अब इस फली में क्या था, ये जो बिल्कुल इसके अंदर सीड था बिल्कुल फूल गया भाई, बिल्कुल फूल गया है, मस्त, है ना, क्यों फूला है, ग्लूकोज ज्यादा है, वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। अब लेकिन जैसे ही मैच्योरेशन में जाएगी सीड्स, सीड जब भी मैच्योर होता है, तो सीड जब भी मैच्योर होगा तो वो क्या करेगा, वो डिहाइड्रेट होगा, और जब सीड डिहाइड्रेट होगा तो अब कहानी क्या होगी, इधर देखो जरा मेरे शेरों, इधर देखो, अब ये देखो ये फली के अंदर जो सीड है ना वो क्या हो गया, इस तरह से वाटर लूज कर गया, और जब फली के अंदर इस तरह से वाटर लूज कर गया तो आप कहानी क्या होगी, फली भी इस तरह से थोड़ा वीवी नेचर शो करेगी, और देखो ये रीजन है
कि अब जो सीड है वो क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल रिंकल्ड हो गया है। सीड क्या हो गया? रिंकल्ड हो गया। ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में, सीड रिंकल्ड हो गया। अब बिल्कुल आगे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, ठीक है? ये मैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपको, आप ध्यान से बिल्कुल फोकस होके ध्यान रखेंगे और मेरी बात का जवाब देते रहेंगे। सबसे पहला, ये हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है बेटा, ये भी हमने पढ़ लिया है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। चलो मैं स्लाइड थोड़ा आगे कर दिया, अब मेरा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से सुनिए, और एक सेकंड में आंसर आना चाहिए आप लोगों का। ये बताइए मुझे कि स्टार्च ऑस्मोटिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? स्टार्च ऑस्मोटिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? फटाफट, स्टार्च इज ऑस्मोटिकली एक्टिव और इनएक्टिव? एक्टिव पायल, स्टार्च भाई, वेरी गुड। जिन्होंने एक्टिव लिखा है वो सब गलत है, जिन्होंने इनएक्टिव लिखा है वो सब सही है। दूसरी चीज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, इनएक्टिव वालों का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यदि मैं बात करूं एंजाइम के बारे में, तो रिंकल्ड सीड के फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम क्या है? फटाफट, रिंकल्ड सीड के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? गोला भाई MBBS, अरे कहां चले जाते हो, ग्लू इज एक्टिव। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कहा SBR, डॉक्टर जे यू आर रॉन्ग, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम SBE एंजाइम। अगम नहीं, नो एंजाइम कैसे बोल सकते हो आप बेटा, SBE एंजाइम ही तो रिस्पॉन्सिबल है, उसी की तो डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है? ओके 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 ओके, SBE वेरी गुड वेरी गुड। अजय गुप्ता SBR नहीं यार, हिमांशु क्या बात है, काफी लोगों का सही आंसर है। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, ये इशिता आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब आगे मैं क्या बता रहा हूं आपको नेक्स्ट। अब भाई ये क्या था एक्सपेरिमेंट, क्लास ट्वेल्थ का जो चैप्टर नंबर टू है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वहां पे एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, मेंडल ने भी यही किया। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल का जो टेक्निक था उसके अंदर सबसे पहले पेरेंट्स सेलेक्ट किए। अभी हेमीजाइगस कंडीशन सब आ रही है, रुको अभी होल्ड करो, हेमीजाइगस कंडीशन के बारे में बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा जीनोटिपिक कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है? तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के बारे में यदि हम बात करें, तो सबसे पहले उसने पेरेंट सेलेक्ट किए जो कि जेनेटिकली स्टेबल हो। हिमांशु मीना सॉरी बेटा, ये अभी यहां पे हिंदी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा बच्चा, है ना, आई एम सॉरी, ठीक है? तो सबसे पहली सिलेक्शन ऑफ पेरेंट किए, ऐसे पेरेंट सेलेक्ट किए जिनके कैरेक्टर लेने थे उसको। ई मैस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ एंथर, यदि बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो एंथर को रिमूव करना इज ई मैस्कुलेशन। ई मैस्कुलेशन करने के बाद होता है बैगिंग, ठीक है, बटर कप या फिर कोई भी पेपर या पॉलीबैग से उसको कवर किया जाता है, ठीक है? उसके बाद में डी बैगिंग, बैगिंग था उसको हटाया। अब यहां पे एंथर तो हटा चुके हैं, सिर्फ क्या है, स्टिग्मा है। अब वो स्टिग्मा जब मैच्योर होता है तो स्टिकी हो जाता है, इसीलिए उसको डी बैगिंग, बैग को हटाया। और जिस प्लांट के, हर्ष कुमार क्या बोल रहे हो, एक मिनट होल्ड जस्ट फॉर ए सेकेंड, आप अपना क्वेश्चन करें। डॉक्टर अली फिंगरप्रिंट प्लीज सर, दोनों ही कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। तो आप देखो, मैं आपको हजार बार बोल चुका हूं बच्चा कि मैं या तो यहां कमेंट पढ़ सकता हूं या मैं यहां पढ़ा सकता हूं, ठीक है? तो आप लोगों का यदि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाला कीजिए ना आराम से। आप कमेंट सेक्शन में डालते नहीं है, फिर आप बोलते हैं सर हमारा कोई भी जवाब नहीं देते, ठीक है? बिल्कुल, तो अब हम बिल्कुल ये बात ध्यान रखने हैं, आप जब भी मैं किसी सवाल का जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं बाद में देख के दे दूंगा आपको, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं, ई मैस्कुलेशन कर दिया, बैगिंग कर दिया, उसके बाद डी बैगिंग, बैग हटाया। और जो डिजायर पोलन है, मुझे लग रहा है ये वाला प्लांट अच्छा है, इसका पोलन कैरेक्टर अच्छा है, डस्टिंग कर दिया पोलन और उसके बाद वापस बैग डाल दिया ताकि और कोई उसको क्या ना कर सके, और कोई पोलन वहां पे आके फर्टिलाइजेशन ना कर सके। अब ये सारी कहानी जो है इसको हाइब्रिडाइजेशन मेथड करते हैं और इसी हाइब्रिडाइजेशन मेथड का यूज किया गया है, ठीक है? चलिए
अब हम वापस स्लाइड पे चल रहे हैं, मेरी कुछ कहानियां हैं। तो होमोजाइगस कंडीशन देख ली, हेटरोजाइगस कंडीशन देख ली, एक होता है हेमीजाइगस कंडीशन। हेमीजाइगस कंडीशन में क्या होता है, देखिए कभी भी यदि इंट्रैक्शन होगा, कभी भी यदि इंट्रैक्शन होगा किसका, यदि कभी भी इंट्रैक्शन होगा एक डोमिनेंट जीन का और एक रेसेसिव जीन का, यदि कभी भी इंट्रैक्शन होगा एक डोमिनेंट जीन का और रेसेसिव जीन का, तो हमेशा कौन एक्सप्रेस करती है बेटा, डोमिनेंट एक्सप्रेस करती है। एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में आगे बात करें, ठीक है। अब हेमीजाइगस कंडीशन क्या है, देखो कुछ ऐसी कंडीशन है, जैसे यदि हम बात करें एक्स और वाई कंडीशन, तो एक्स के ऊपर जो जीन है ना वो वाई के ऊपर नहीं है, वाई की जो जीन है वो सिंगल कॉपी जीन है, एक ही तो है, ये वाई क्रोमोसोम में मान लो, और इस वाई क्रोमोसोम पे ये जीन उपस्थित है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, ये रिसेसिव है, डोमिनेंट है, ये बात ही खत्म हो चुकी है यहां पे, ये अपने आप को क्या कर रही है बच्चों, एक्सप्रेस कर रही है। तो जब ऐसी कोई जीन हो जो अपने आप को एक्सप्रेस करे बिना, यहां पे इंट्रैक्शन थोड़ी हो रहा है, एक सिंगल कॉपी है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, सच कंडीशन इज नोन एज हेमीजाइगस कंडीशन। टीडीए फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, सिंगल जीन है ना, डुबली बिल्कुल ले लिया तुम्हारा नाम, है ना, टीडीएफ फैक्टर है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, ऐसी कई सारी जीन है। ओके चलिए अब आगे पढ़े, आगे पढ़ते हम, अब हमारा टॉपिक आ चुका है मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट लगाया उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, मैं वो पढ़ा रहा हूं आपको। अब मेंडल ने जो पहला एक्सपेरिमेंट लगाया था वो था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कितने कैरेक्टर लिए इसने, कितने कैरेक्टर लिए, हाय शीतल, कितने कैरेक्टर लिए, कितने कैरेक्टर लिए मोनो हाइब्रिड में, रोहित जीना बिल्कुल गलत, मरियम खान ओनली वन कैरेक्टर, क्या बोल रहे हो आप लोग, पारुल वाओ टू कैरेक्टर, मोनो हाइब्रिड में कितने कैरेक्टर लिए, गुड, मोनो हाइब्रिड में से सिंगल कैरेक्टर लिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो सदियों से चला आ रहा है, इसने यहां पे कैरेक्टर लिया मान लीजिए हाइट ऑफ द प्लांट, कौन सा कैरेक्टर लिया, हाइट ऑफ द प्लांट, इधर अब कोई कमेंट नहीं, इधर ध्यान दो, हाइट ऑफ प्लांट लिया, और इस हाइट ऑफ प्लांट का एक डोमिनेंट कैरेक्टर था और एक था रेसेसिव कैरेक्टर, जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो था टॉल और जो रेसेसिव कैरेक्टर था वो था ड्रॉफ। ओके इजी, ये जो एक इसने कैरेक्टर लिया वन कैरेक्टर, ये था हाइट ऑफ द प्लांट, और ऐसे ही इसने जो टॉल था वो कैपिटल टी से और ड्रॉफ था जो स्मॉल टी से डिनोट किया। ओके अब एक और बात आ रही है जिसको हम कह रहे हैं प्योर लाइंस, प्योर लाइंस, प्योर प्लांट्स, इसके बारे में यदि हम बात करें तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, प्योर लाइंस क्या होता है, जो कि होमोजाइगस कंडीशन में हो, ऐसे प्लांट जिनके अंदर कैरेक्टर कैसे हो, होमोजाइगस हो। बच्चे इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे बाय कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन करा के, सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाएंगे कई जनरेशनों तक, तो जो सेम टाइप की जीन है वो एक साथ आ जाएंगी और इससे जो कंडीशन बनती है वो होमोजाइगस कंडीशन बनेगी, और होमोजाइगस कंडीशन वाले प्लांट्स को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, प्योर लाइन कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, डीजे नाम ले लो, हाय डीजे। ओके चलो अब आगे पढ़े हम, तो हमने ये देखा कि यहां पे अब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, मैं उनके एक्सपेरिमेंट पे आ रहा हूं। ठीक है, आप एक एक बिल्कुल एक पॉइंट पे ध्यान रखेंगे जो जो मैं बातें बोलते जा रहा हूं उनके बारे में। ठीक है, आप बिल्कुल इसके बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो सबसे पहला है कि क्या कैरेक्टर था। ठीक है मोहित, कोई लेट नहीं, तुम रोज लेट हो रहे हो यार मोहित, ये बहुत गलत बात है। लॉस ऑफ हाइब्रिड विगरण, बिल्कुल सही अगम, लेकिन प्योर लाइंस बनाने के लिए तो सेल्फिंग करानी पड़ेगी बच्चा। ठीक है चलो, अब मेरे बिल्कुल ध्यान दो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन, गोला भाई इधर देखो। चलिए तो मैं कह रहा हूं, सबसे पहले इसने किया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट और मेंडल ने जो भी पेरेंट्स लिए थे वो सभी क्या थे, प्योर लाइन थे। तो इन्होंने लिया सबसे पहले होमोजाइगस कंडीशन में टॉल, और होमोजाइगस कंडीशन में जो टॉल होगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे इस तरह से।
उसके बाद में इन्होंने जो पेरेंट लिया वो लिया होमोजाइगस ड्रॉफ, और होमोजाइगस ड्रॉफ जो पेरेंट लोगे उसको डिनोट करोगे इस तरीके से, है ना। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स है, इन पेरेंट्स के अंदर भाई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराई उसने, जो भी कराया, तो इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा ना। अब हम बात कर रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन की, तो इनके अंदर गैमेट जो बनेंगे, टाइप ऑफ गैमेट या नंबर ऑफ गैमेट, टाइप ऑफ गैमेट कैसे पता करते हैं, टाइप ऑफ गैमेट पता करने का फॉर्मूला होता है 2:n, हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट, कितने हेटरोजाइगोट है उसके हिसाब से n की वैल्यू रखते हैं। यहां पे कितने हेटरोजाइगोट है आप बताइए मुझे, आप लोग बताइए, कैपिटल कैपिटल कितने हेटरोजाइगोट है, कितने हेटरोजाइगोट है, जल्दी पीडीएफ यहीं पे मिलेगी, हिमांशु आप ध्यान दो, जीरो, मरियम, पायल जीरो, पारुल दो, पारुल कहां दो है, हेटरोजाइगोट एक भी नहीं है यहां पे, तो टू की वैल्यू, हाय सतीश, टू की वैल्यू क्या हो जाए, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे, यहां पे एन इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, और टू की वैल्यू, टू की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो एक ही टाइप के बनेंगे ये, ऐसे तो बनेगा गैमेट, जितने भी गैमेट होंगे वो सब इसी टाइप के बनेंगे, और यहां पे भी एन की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो होगी तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, वो है ये, समझ में आ गया। अब जो है भाई कोई भी गैमेट किसी से भी फ्यूज करे, इससे करे, किसी से भी फ्यूज करे, यहां पे जो रिजल्ट आना है वो आना ही है। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस वन इज द फर्स्ट जनरेशन, और इस जनरेशन को हम कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसको कहते हैं फर्स्ट। मैं बिल्कुल, देखो बच्चों बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इस वाली चीज को नहीं पढ़ाते, बोले ये तो छोटी क्लासेस की बात है, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं हर एक चीज। इसको हम कहेंगे F1 जनरेशन, दिस इज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और ये जो F1 जनरेशन है इसके अंदर दो जीन आ गई है बच्चों, ये हेटरोजाइगोट कंडीशन आ गई है, इस हेटरोजाइगोट में एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। मैंने आपको बताया था जब भी कैपिटल टी या स्मॉल टी का इंट्रैक्शन होगा हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट, तो ये दिखने में कैसा होगा, ये दिखने में होगा टॉल, और कैसा, ये कंडीशन कैसी है, होमोजाइगस है हेटरोजाइगस है, दिस इज ए हेटरोजाइगस, और ये इसको मैं कहूंगा दिस इज हेटरोजाइगस टॉल, दिस वन इज द F1 जनरेशन। क्या यहां तक सबको बात समझ में आ गई है, आगे मैं बढ़ू, वैभव कुमार आगे मत बढ़िए, 3:1 क्यों बोल रहे हैं आप, अभी तो हमने बात यही की है, वेरी गुड। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई हमने ये देखा कि ये पेरेंट थे प्योर, इनका क्रॉस लगाया इनके साथ में, और उसके बाद में जो F1 जनरेशन आई वो आई ये जो F1 जनरेशन आई है, इस F1 जनरेशन का क्या किया मेंडल ने, इसकी कराई सेल्फिंग, क्या कराई इसकी बच्चों, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है F1 into F1, तो यहां पे जो कंडीशन थी वो ये हुई, ये जो कंडीशन है ये हेटरोजाइगस जो है। अब यहां पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ एन की, तो इसके अंदर कितने हेटरोजाइगोट हैं, वन, तो 2:1 इज इक्वल टू दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कौन से, एक तो बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी, और इसके भी दो गैमेट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी, यही तो होगा। तो F2 जनरेशन को निकालने के लिए, F2 जनरेशन को निकालने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुनिट, उन्होंने एक टेक्निक दी जिसको कहते हैं पुनिट स्क्वायर। तो पुनिट स्क्वायर में क्या होता है, जितने गैमेट बनते हैं ना उतने ही कॉलम उतनी ही रोज रखी जाती है, यहां पे दो गैमेट बन रहे हैं तो दो कॉलम दो रो, ओके। अब एक साइड में एक के गैमेट, मान लीजिए एक के गैमेट यहां रख दिए ये लीजिए, दूसरे गैमेट यहां रख दिए ये लीजिए, दोनों सेम ही तो है। अब ये देखिए इसका कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी, ठीक है, नेक्स्ट ये देखो इसका स्मॉल टी, हमेशा कैपिटल पहले लिखा जाएगा कैपिटल टी, इसका भी कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, और इसका लास्ट में क्या होगा, इसका लास्ट में होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। ध्यान से सुनते जाइए प्लीज, ध्यान से सुनते जाइए, पुनिट स्क्वायर प्रोबेबिलिटी पता कर रहा है चीजों के बारे में, कितने टॉल होंगे कितने शॉर्ट होंगे, ओके। अब ये बताइए ये क्या है, व्हाट इज कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी इज होमोजाइगस टॉल,
वॉट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी? कैपिटल टी स्मॉल टी इज हेट्रोजाइगस टॉल. नाउ वॉट इज स्मॉल टी स्मॉल टी? स्मॉल टी स्मॉल टी इज होमोजाइगस ड्रॉफ. यही तो होगा. अब सवाल एक है, सवाल एक है कि दिखने में टॉल कितने हैं बच्चों? दिखने में टॉल कितने हैं? ये जो आपको चार दिखाई दे रहे हैं, दिखने में टॉल कितने हैं? ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तीन टॉल हैं. तो दिखने, ये जो फिजिकल अपीयरेंस होती है इसको कहते हैं फिनोटाइप, और इसका जो रेशियो होता है इसको कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो. तो फिनोटिपिक रेशियो के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो आप दो ही चीज पढ़ेंगे इसमें, कि टॉल हमने कैरेक्टर लिया था टॉल और ड्रॉफ, इसका रेशियो देखेंगे. तो तीन टॉल है और एक क्या है बच्चों? ड्रॉफ है. तो फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा 3:1. लेकिन जब आप बात करेंगे इसके बारे में कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब है जीनोटिपिक किस तरह से जीन्स है, क्या वो होमोजाइगस है, क्या वो हेट्रोजाइगस है. तो जीनोटिपिक रेशियो को जब भी आप करेंगे तो वहां पे देखेंगे होमोजाइगस टॉल कितने हैं, या आप देखेंगे हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं, या आप देखेंगे होमोजाइगस ड्रॉफ कितने हैं. तो आप इस तरह से होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस टॉल कितने हैं, होमोजाइगस टॉल देखो कितना है एक, हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं दो, और होमोजाइगस ड्रॉफ कितना है एक. तो रेशियो आया गया जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1. तो क्या अब मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं आप लोगों से? क्या आप रेडी हैं? तो मेरा क्वेश्चन आप सुनिए और फटाफट उसका आंसर दीजिए. यहां पे प्योर वर्सेस हाइब्रिड का रेशियो क्या है? हेट्रोजाइगस ड्रॉफ आर नॉट पॉसिबल पाइल. इसके बारे में अभी बात करता हूं, इसके बारे में अभी बात करता हूं. आप मुझे ये बताइए इनमें से इनका यहां पे जो F2 जनरेशन है इसके अंदर प्योर वर्सेस रिकॉम्बिनेंट का कितना रेशियो आया है? क्या बात है, मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत है, मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत है. देवांश आप थोड़ा सा वीडियो है ना पहले से स्टार्ट देखिए तो आपको पता लग जाएगा प्योर क्या होता है. काफी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है 1:1. क्यों? ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, तो दो प्योर हो गए, दो प्योर. ये वाला इम्प्योर है या रिकॉम्बिनेंट है, तो 2:2 यानी 1:1 का रेशियो आएगा. ठीक है, अरे बहुत लोगों का सही गया है मरियम. चलो अब आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े. चलिए तो ये कहानी उन्होंने बताई, ये मेंडल ने बताई, और ये मैंने क्या इस फॉर्म में आपको बता रखी है सारी. तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आ गया. उधर देखो एनसीईआरटी का एक पॉइंट लिखा है, ये मैथ्स वाले ज्यादा बेहतर तरीके से आपको जानते हैं कि ये जो जीनोटिपिक रेशियो है ना ये किस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर के टर्म में एक्सप्लेन होता है ये. ठीक है, ओके, आगे हम बढ़े. ब्रीडिंग में प्रॉब्लम होती है. तो एक क्वेश्चन आया था कि यार ये हेट्रोजाइगस क्यों नहीं होता ड्रॉफ? ड्रॉफ अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है? ड्रॉफ अपने आप को जब ही एक्सप्रेस करेगा जब दोनों जीन एक जैसी आ जाए, ड्रॉफ आ जाए. तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता. ठीक है, इसीलिए जब दो इस तरह की कंडीशन आएंगी तभी ड्रॉफ अपने आप को क्या करेगा बच्चों, एक्सप्रेस करेगा. इसलिए ड्रॉफ हमेशा होमोजाइगस ही होता है. क्या ये बातें आपको समझ में आ गई हैं? तो मेंडल ने जब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस लगाया तो इसके बेसिस पे क्या किया उन्होंने? इसके बेसिस पे मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूं, एक और सवाल मेरी तरफ से. बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे चैनल्स में, हो सकता है कई सारे टीचर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं. आप लोगों ने यार क्या बोलते हैं स्कूलों में भी पढ़ा होगा. मैं इससे एक सवाल पूछ रहा हूं कि मेंडल ने कितने लॉ दिए, मेंडल ने कितने लॉ दिए? प्लीज प्योर लाइन बता दीजिए. देवांश जिनके जो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे वो सब प्योर लाइन होंगे. शिवांगिनी एनी सॉलिड रीजन किस चीज का चाहिए आपको? सर कैरेक्टर बैंडिंग है तो टाइम सेल्फिंग नहीं होगी. एक बार शिवांगी बिल्कुल दोबारा, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, मेंडल ने कितने लॉ दिए? देते जाइए 3-2, 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
आज तक कोई लॉ नहीं दिया है। ये दिमाग में बैठा लीजिए अपनी बात, क्यों। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मोनोहाइब्रिड के क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए। मेंडल ने क्या दिए? कुछ प्रिंसिपल्स दिए। उन प्रिंसिपल को कन्वर्ट किया लॉ में कार्ल कॉरिन ने।
उन प्रिंसिपल को किसमें कन्वर्ट किया, लॉ में कन्वर्ट किया, और जो साइंटिस्टों ने लॉ में कन्वर्ट किया उन्होंने, उनका नाम था कार्ल कॉरिन। लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, बट इनके एक्सेप्शन थे। बिल्कुल सही आकांक्षा पाल, पोस्टुलेट दिए थे उन्होंने, पोस्टुलेट दिए थे, ठीक है, उन्होंने क्या दिए थे, पोस्टुलेट दिए थे, बिल्कुल। और उनको कन्वर्ट किया लॉ में किसने, कार्ल कॉरिन में। लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, उनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे से साइंस डेवलप हुई तो इन लॉ के भी एक्सेप्शंस आए, ठीक है ना। बैटसन ने क्या किया, अभी बात करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमेट, और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनमें से तीन को लॉ में कन्वर्ट किया, एक तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कि हमेशा डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करता है एफ1 जनरेशन में, यदि पेरेंट्स क्या लिए गया, अब्रजात बीरा द यूनिवर्सल बॉस, क्या है ले लिया बेटा तुम्हारा नाम, ठीक है, ओके। सिलेबस कब तक खत्म होगा फॉर ड्रॉपर, अशफाक इकबाल खान आप आज ही पहुंचे हैं, आपने ये भी नहीं देखा कितने सारे चैप्टर्स हमने करा दिए, कब खत्म होगा मैं नहीं जानता इसके बारे में, ठीक है। चलिए शुभम शुभांगी मिश्रा, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का कोर डोमिनेंस है एक्सेप्शन, इसके बारे में देखो, हम एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे, पहले मुझे आगे बढ़ने दो, ठीक है। वीर सिंह सर आज पहली बार मैं क्लास का बीच हूं, सो बेटा आप बिल्कुल आप ये पढ़िए, है ना, तो हम ये कह रहे हैं, ठीक है, ओके ओके ओके, हम ये कह रहे हैं कि ये तीन लॉ बनाए गए, एक तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का बनाया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस कि यदि प्योर पेरेंट्स लिए जाएं तो हमेशा एफ1 जनरेशन में डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा, इसके एक्सेप्शंस है, को डोमिनेंस भी एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी एक्सेप्शन है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसने क्या कहा ये हम देखेंगे, और एक बात ध्यान रखना, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन का भी एक्सेप्शन है लिंकेज, पढ़ेंगे आगे क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ नंबर 3, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं, इसका बेटा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, और यही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है सबसे ज्यादा, ठीक है, आगे हम देखें, ठीक है। नेक्स्ट अब ये बोल रहे हैं कि ये क्या क्या लॉ थे, मैंने आपको सिर्फ डोमिनेंस वाला लॉ बता दिया, आपके लिए अभी इतना ही काफी है, आगे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम इसको देखेंगे। तो अब मैं सबसे पहले बात करूंगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। देखो आपने पवित्र रिश्ता एक नाटक देखा होगा, उसके अंदर है कि क्या लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट ये जो था ये मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे दिया, ये भी मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे दिया है, और ये वाला जो लॉ था ये डायहाइब्रिड के बेसिस पे दिया है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सारे लॉ जो है ना ये डायहाइब्रिड के बाद में आपको बताऊंगा, है ठीक है, डायहाइब्रिड के बाद में बताऊंगा कि किस तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद में ये तीनों लॉ आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि अब क्या है आगे, ओके तो हम ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, मैंने आपको कह दिया कुछ फॉर्मूलास के बारे में, क्योंकि अब क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे, कुछ फॉर्मूलास के बारे में बात करूंगा। टाइप ऑफ गैमेट निकालना हो, 2^n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, ठीक है बच्चों। दूसरा यदि टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालना हो, उसका 2^n, टाइप ऑफ जीनोटाइप 3^n, नंबर ऑफ जाइगोट गैमेट का स्क्वायर या 2^n का स्क्वायर, गैमेट का स्क्वायर, ये ढंग से देख लो भाई, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत सारे, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हम बढ़ चलते हैं, अब हम बढ़ चलते हैं आगे अपना डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और डायहाइब्रिड क्रॉस जो है इसके बारे में अब हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा वीडियो देख लिया करो एक बार यार, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, तो डायहाइब्रिड क्रॉस की कहानी क्या है, यहां ध्यान से देखेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है बच्चों, ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस है इसके अंदर कितने कैरेक्टर लिए, 2 कैरेक्टर्स, ओके। अब ये 2 कैरेक्टर्स कौन कौन से लेना चाहेंगे आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए जरा कैरेक्टर देखिए कौन कौन से लेना चाहिए आपको, देखिए ये जो कैरेक्टर थे ना मेंडल के, इसके बारे में बात करूं यदि मैं, तो मेंडल ने कौन कौन से, देखो एक तो ले लो सीड कलर, एक तो क्या ले लो सीड कलर ले लो, इधर देखो
सीड कलर के बारे में, डोमिनेंट कौन सा है येलो और ये कौन सा है ग्रीन, सीड कलर ले लो। दूसरा प्लांट हाइट ले सकते हो आप, फ्लावर कलर ले सकते हो आप, फ्लावर पोजीशन ले सकते हो आप, सीड शेप ले लो। ये सदियों से चले आ रहे जो एग्जांपल है वो ले रहा हूँ। तो सीड शेप तो कौन सी हो गई बच्चों, राउंड और रिंकल्ड, और देखो सीड कलर कौन सा है येलो और ग्रीन। ठीक है, अब इसको लेके मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब मैं वापस स्लाइड पे बात कर रहा हूँ। तो एक तो हुआ आपका सीड कोट या सीड कलर, और सीड कलर कैसा हो गया आपका, एक तो हो गया येलो जो कि डोमिनेंट है कैपिटल वाई, और दूसरा हो गया क्या ग्रीन, और इसको आपने कैसे डिनोट किया स्मॉल वाई से। टू कैरेक्टर है सीड कलर येलो और ये, और दूसरा है आपका सीड शेप। तो सीड शेप का जो कलर लिया आपने वो सीड शेप का जो कैरेक्टर लिया वो लिया राउंड कैपिटल आर, और दूसरा लिया रिंकल्ड, ये जो रिंकल्ड लिया है ये स्मॉल आर। ठीक है, अब मैं प्योर लाइंस क्या होती हैं, प्योर लाइंस का मतलब है एक जैसे कैरेक्टर वाले है, बिल्कुल कोई भी दो कैरेक्टर ले लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये हम करेंगे वैसे ही वो भी होगा। ठीक है, तो अब क्या किया है फटाफट मैं बता रहा हूं आपको। ये देखो एक पेरेंट ये बना, तो ये क्या है पेरेंट होमोजाइगस राउंड येलो, बिल्कुल सही है ना। और दूसरा पेरेंट क्या लिया, दूसरा पेरेंट लिया है आपका इधर देखना जरा कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये क्या नाम है इसका होमोजाइगस, राउंड की जगह रिंकल्ड है और येलो की जगह क्या हो गया ग्रीन। ध्यान से सुन लो ये पेरेंट है, क्योंकि मैं अभी जो क्वेश्चन दूंगा उसके अंदर ये बहुत सारे काम आएंगे, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यू आर राइट ईशांत यादव, यू आर राइट। अभी देखेंगे हम उसको किस तरह से होगा। ठीक है सर, कल आगे क्या बताओगे प्लीज शिवांगिनी, अभी इसका ये तो खत्म होना दो बच्चा। चलो अब यही गैमेट का, यहां पे हेटरोजाइगोट कितने हैं, हेटरोजाइगोट कितने एक जीरो, एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, कौन सा ये, यहां पे जो गैमेट बनेगा वो बनेगा ये, दोनों का क्रॉस होगा और दोनों के क्रॉस होने के कारण एफ वन जनरेशन आएगी, और इस एफ वन जनरेशन का जो काम है वो ये है, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या बना है इसका हेट्रोजाइगोट राउंड येलो, ये एफ वन जनरेशन आई है इसकी। ठीक है, किसकी डायहाइब्रिड क्रॉस की। अब जब डायहाइब्रिड क्रॉस में एफ वन जनरेशन आ गई है तो आगे क्या होगा, डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब एफ वन जनरेशन आएगी तो क्या होगा, अब उसने कराई थी सेल्फिंग, और सेल्फिंग होने में क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो है इसी का क्रॉस लगाया जाएगा इससे। और यहां पे एन की वैल्यू कितनी हो गई है बच्चों, देखो जरा टू, इसके एन की वैल्यू दो हेटरोजाइगोट है ना, तो टू इज टू पावर टू इज इक्वल टू कितना हो गया फोर, चार टाइप के गैमेट बनेंगे, कैसे आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देख लो भाई ये चार टाइप के गैमेट बनेंगे। ठीक है, अब कैसे क्या गैमेट होगा, कैसे क्रॉस होगा, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे वो हम देखेंगे अगले वाले क्लास में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये जो है स्मॉल आर ये स्मॉल वाई। अब इनका जो क्रॉस हुआ वो कैसे हुआ, अभी एक मिनट और है मेरे लिए, ये अपन एक काम करेंगे डायहाइब्रिड का ये वाला जो पोर्शन है ये नेक्स्ट वाले चैप्टर में ही नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर डील करेंगे। तो बच्चों होप सो आज आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, थोड़ी स्ट्रेंथ कम है, 47 गए हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि कल होगी अश्वनी कुमार बेटा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको फायदा उठा सकें। और मैं ये चाहता हूं कि 80-90-100 बच्चे जरूर रहे इसमें, ठीक है, जेनेटिक्स है, आप लोगों के कहने पे ही टॉपिक लिया आ गया। ओके, गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट, और पढ़िए, कल बात करेंगे डायबिटीज के बारे में।